बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.5 के हवाले से बात करेंगे। तो जिसका पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एन जेड एंड वाई इज इक्वल टू 6 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 जेड इज इक्वल टू 9 राइट वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू -8 एंड जेड इज इक्वल टू 12। तो सिंपली यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है कि इक्वेशन बनाए वाई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर से और जेड से। तो हमें पता है कि वाई डायरेक्टली है एक्स स्क्वायर से, इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, और वाई डायरेक्टली है जेड से तो उसको भी हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनको हम एक साथ लिखना चाहें तो वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर जेड से। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इसकी जगह जो है ना आप के रखें वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जेड सेम। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सिंपली यहाँ पे जो के है इस वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ऊपर देखें तो y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 4 z इज इक्वल टू 9, ये जो वैल्यूज़ हैं वो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। तो पुट y इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 4 z इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, x का इज इक्वल टू k हमें मालूम करना है और x का स्क्वायर है तो 4 का भी स्क्वायर करेंगे और z की वैल्यू 9। अब सिंपली यहाँ पे पहले 4 का स्क्वायर जो है ना वो सॉल्व करें तो वो आपको 16 मिलेगा, बाकी जो वैल्यूज़ है वो सेम रखी है। ये जो है ना मालूम करना है, अब के साथ 16 और 9 डिवाइड हो, के साथ 16 और 9 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ लेके जाएं तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। अब सिंपली यहाँ पे टेबल लगाएं तो 6 पे और 9 पे जो टेबल लग रही है 3 की, 6 पे 2 टाइम लगेगी और 9 पे 3 टाइम। 2 की टेबल 16 पे लग रही है वो लगाएं तो 2 पे 1 टाइम और 16 पे 8 टाइम। अब सिंपली ऊपर 1 बचेगा वो हमने सेम रखा और यहाँ पे 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 24। इक्वल टू कितना आ गया 1/24। अब जो भी के की वैल्यू आई है उसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही के की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 1/24 एक्स स्क्वायर जेड, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब सिंपली आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि y की वैल्यू जो है ना वो मालूम करें x और z की वैल्यू गिवन है। जो दूसरी वैल्यूज x और z की क्वेश्चन में गिवन है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें जो y की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो पुट x इज इक्वल टू -8 z इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। y इज इक्वल टू 1/24 सेम रखा और x की वैल्यू -8 उसका स्क्वायर करेंगे और z की वैल्यू 12। तो सिंपली यहाँ पे देखें तो -8 का जब हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे हमें कितना मिलेगा 64, बाकी जो भी वैल्यूज़ है वो अभी हमने सेम रखी। अब इनको सॉल्व करें, 12 की टेबल 1 टाइम और 24 पे 12 की टेबल 2 टाइम। अब यहाँ पे 2 बचा और 64, तो 64 और 2 पे 2 की टेबल लगती है, 2 पे 1 टाइम और 64 पे 32 टाइम। अब ऊपर जो बचेगा 1 बचेगा 32 और 1, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी 32, और नीचे 1 बचेगा तो 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 32। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखें तो इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v एंड t, y इज इक्वल टू 40 व्हेन x इज इक्वल टू 8 u इज इक्वल टू 5 v इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 2, फाइंड y इन टर्म ऑफ x u v एंड t। तो सिंपली पहले आप y की इक्वेशन बनाएंगे x u v और t के टर्म्स में, उसके बाद जो भी y की इक्वेशन बनेगी उसमें जो दूसरी वैल्यूज़ गिवन है x इज इक्वल टू -2 u इज इक्वल टू 4 v इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू -1 वो पुट करेंगे तो आपको y की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, x से है और u के स्क्वायर से है, और उसके बाद y इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है तो 1/ उसके बाद y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v इंटू टी के। तो अब इनको आप कंबाइन करके रखेंगे तो कंबाइन जैसे करेंगे तो सिंपली वो आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू बनेगी, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
एक्स यू स्क्वायर अपान में बी टी। इसको कन्वर्ट करें इक्वेशन में, तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली को हम डायरेक्टली की जगह हम के कांस्टेंट रखेंगे, और के जो है ना वो आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वाई इजिकल टू के एक्स यू का स्क्वायर अपान में बी और टी, ये आपकी इक्वेशन नंबर वन बन गई। जो क्वेश्चन में पहली वैल्यू गिविन है वो इसमें पुट करें और आप यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड करें। तो पुट वाई इजिकल टू 40, एक्स इजिकल टू 8, यू इजिकल टू 5, बी इजिकल टू 3 एंड टी इजिकल टू 2 इन इक्वेशन नंबर वन। तो जैसे ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन वन कुछ इस तरीके से बनेगी। y की जगह 40 इजिकल टू k हमने सेम रखा, उसके बाद x की जगह 8 और u की जगह 5 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि u का स्क्वायर था, v की जगह 3 और t की जगह 2। अब सिंपली देखें 2 और 8 पे जो ना 2 की टेबल लग रही है, तो 2 पे 1 टाइम लगी और 8 पे 4 टाइम, और उसके बाद कोई भी इन पे टेबल नहीं लग रही, तो नीचे इनकी जो सोल्यूशन है वो हम रखते हैं। अब 40 सेम रखा इजिकल टू के, यहाँ पे 4 बचा तो वो हमने 4 रखा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और नीचे हमारे पास 3 और 1 की प्रोडक्ट करेंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखें तो के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू जो पूरी है ब्रेकेट वाली वो के साथ प्रोडक्ट में हो रही है, इस तरफ जाके ये डिवाइड होगी, तो डिवाइड ये रेसिप्रोकल में बन जाएगी, मतलब 3 जो है ना वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3 40 से जाके मल्टीप्लाई होगा और ये जो वैल्यू है वो अपान में आ जाएगी। अब देखें कि तो 40 और 4 पे टेबल लग रही है, 4 और 40 पे 4 की टेबल लग रही है, तो सिंपली इसको हमने सॉल्व किया 4 की टेबल 1 टाइम और 40 पे 4 की टेबल 10 टाइम, बाकी जो वैल्यू बची है उनकी प्रोडक्ट की, तो 3 मल्टीप्लाई 10 30 और नीचे 1 को 25 से प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 25। अब ये 5 की टेबल से सिंपलीफाई हो रहा है तो इसको सिंपलीफाई करें, 5 की टेबल 30 पे 6 टाइम और 5 की टेबल 25 पे 5 टाइम, तो k की वैल्यू आपको क्या मिली 6/5। अब ये जो भी k की वैल्यू आई है इसको पुट करें इन इक्वेशन नंबर वन, तो y इक्वल टू k की जगह हम क्या रखेंगे 6/5 और x u का स्क्वायर अपान वी टी, ये आपकी इक्वेशन नंबर टू बन गई। जो भी आपकी दूसरी क्वेश्चंस में वैल्यू थी वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू जो है ना मिल जाएगी। पुट x इक्वल टू -2, u इक्वल टू 4, v इक्वल टू 3, t इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर टू। तो y इक्वल टू 6/5 हमने सेम रखा, x की जगह -2, u इक्वल टू 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, v की वैल्यू क्या है 3, v की जगह 3 और t की वैल्यू -1 तो t की जगह -1 रखा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, बाकी 6/5 हमने सेम रखा, 6 और 3 को सिंपलीफाई कर दो, 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम और 6 पे 2 टाइम, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनकी प्रोडक्ट करके रखें क्योंकि बाकी इसमें कोई भी सिंपलीफिकेशन नहीं हो रही। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 64 हमें मिलेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। वाई की वैल्यू आपके पास सिंपली क्या आ गई 64/5 और ये आपका क्वेश्चन 2 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ़ W varies directly as u square and inversely as cube root of v and W is equal to 216 when u is equal to 6 and v is equal to 27. Find the value of W when u is equal to 10 and v is equal to 125. तो सिंपली जो पहले आपकी स्टेटमेंट है उसको इक्वेशन में पहली जो आपकी स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकली लिखें, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर से और W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/ क्यूब रूट ऑफ V से, तो सिंपली इसको कंबाइन करके रखेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U स्क्वायर अपान क्यूब रूट ऑफ V। इसको कन्वर्ट करें इक्वेशन में, तो डायरेक्टली की जगह हम K कांस्टेंट रखेंगे, W इज इक्वल टू K U स्क्वायर अपान क्यूब रूट ऑफ V सेम। अब देखें यहाँ पे k u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन भी आपकी लिखी जा सकती है, k u स्क्वायर अपान क्यूब रूट ऑफ b, तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी इक्वेशन नंबर वन बन जाएगी। अब इक्वेशन वन में जो पहली वैल्यूज़ हैं w u और v की वो पुट करें, पुट w इज इक्वल टू 216, u इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 27 इन इक्वेशन नंबर वन।
तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर वन में ये वैल्यूज रखेंगे तो इक्वेशन वन हमारी कुछ इस तरीके की बनेगी। W की जगह 216 और K सेम रखा क्योंकि K हमें मालूम करना है। U की जगह 6, U का स्क्वायर है तो 6 का भी स्क्वायर करेंगे। V की जगह हमने 27 रखा और क्यूब रूट जो है ना वो सेम। अब देखें 27 जो है ना इसको हम 3 के क्यूब में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 27 की जगह हम क्या अप्लाई करेंगे 3 का क्यूब, क्योंकि हमें यह क्यूब रूट सॉल्व करना है। 27 की जगह हम क्या रखेंगे क्यूब 3 का क्यूब और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। बाकी ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो अब बाकी 216 और के सेम रखा। अब सिंपली देखें तो क्यूब रूट और 3 का क्यूब, क्यूब रूट और ये क्यूब ख़त्म हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा 3 और ऊपर की जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमने सेम रखी। 216 = K 36/3। इसको सिंपलीफाई करें तो 36 और 3 पे 3 की टेबल लग रही है, 3 पे 1 टाइम और 36 पे 12 टाइम। तो अब नीचे जो बचेगा 1 बचेगा और 12 को K से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 के 216 हमने सेम रखा। अब यहाँ पे देखें के 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, ये 216 से डिवाइड हो जाएगा तो K = 216/18। अब यहाँ पे 12 और 216 पे 4 की टेबल लग रही है तो वो हमने लगाई 4 की टेबल, 12 पे 3 टाइम और 216 पे 54 टाइम लगेगी। उसके बाद 3 की टेबल 54 पे लग रही है तो 3 की टेबल 3 पे लगी 1 टाइम और 54 पे 18 टाइम। के की वैल्यू हमें क्या मिल गई 18। जो भी के की वैल्यू मिली है उसको पुट करें इन इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन नंबर वन में जैसे ही के की जगह 18 रखेंगे तो इक्वेशन टू हमारी कुछ इस तरीके से, इक्वेशन वन हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। W = 18U² / √V। अब इसको इक्वेशन टू का नाम दे दें। अब सिंपली यहाँ पे इक्वेशन टू में जो दूसरी वैल्यूज गिविन थी क्वेश्चन में वो पुट करें तो आपकी इक्वेशन नंबर टू कुछ इस तरीके से बनेगी। W = 18 सेम रखा, अब U की वैल्यू 10 तो 10 का स्क्वायर करेंगे, अपान में V की वैल्यू 125 क्यूब रूट और V की वैल्यू 125। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा और 125 ये 5 का क्यूब बनता है तो यहाँ पे 125 की जगह हम 5 का क्यूब रखेंगे। अब सिंपली यहाँ पे क्यूब रूट जो है ना वो क्यूब से ख़त्म हो जाएगा, बाकी नीचे 5 बचेगा और ऊपर जो है ना 18/100 अभी हमने सेम रखा है। और 100 पे 5 की टेबल लगाएंगे, 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम और 100 पे 20 टाइम। नीचे 1 आ जाएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें W की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 360 और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। इफ टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है बुक में, वो मिस्टेक है, 100 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे 100 मीटर आएगा। एंड जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर/s स्क्वायर होगा और बुक में स्क्वायर नहीं है तो ये भी आप सही कर लेना। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन एल इज इक्वल टू 200 मीटर एंड जी इज इक्वल टू 7.68 अ पर्टिकुलर हाइट। सिंपल पेंडुलम टी, टाइम पीरियड टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ एल से, और टाइम पीरियड जो टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी से। अब अगर हम इनको कंबाइन करके लिखना चाहें तो किस इस तरीके से लिख सकते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ एल अपान स्क्वायर रूट ऑफ जी। अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है तो एक ही स्क्वायर रूट में हम एल अपान जी करके लिख सकते हैं। इसको कन्वर्ट करें, अब इसको कन्वर्ट करें इक्वेशन में तो टी इज इक्वल टू डायरेक्टली की जगह हम के रखेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ एल अपान जी सेम, इसको इक्वेशन वन का नाम दे दें। पुट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एल इज इक्वल टू 100 मीटर एंड जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये वैल्यूज़ जो आपके पास गिवन है वो इक्वेशन नंबर वन में आप पुट करेंगे। जैसे ही ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। टी की जगह टू रखेंगे, के हमें फाइंड करना है, और एल की जगह 100 और जी की जगह 9.8। अब सिंपली यहाँ पे देखें तो ये जो वैल्यूज़ है वो के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ जाके डिवाइड होगी। तो फ्रैक्शन में डिवाइड इस तरीके से होती है कि ये जो वैल्यूज़ है वो रेसिप्रोकल बन जाएंगी। तो 2√9.8/100। अब सिंपली ना इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, 9.8 को डिवाइड करेंगे 100 से, और उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो के की वैल्यू मिलेगी 0.6261। अब जो कि एक ही वैल्यू आई है उसको पुट करें इक्वेशन नंबर वन में, तो इक्वेशन वन हमारे कुछ इस तरीके से बन जाएगी। T=0.6261√LNG √L/G। अब इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें। तो इक्वेशन नंबर टू में जो दूसरी वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन में वो पुट करते जाएं, तो पुट L=200 and G=7.6 इन इक्वेशन नंबर टू। तो जैसे ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो आपकी टी की वैल्यू जो है ना वो मिल जाएगी 0.6261। सेम रखा, एल की जगह 100 और जी की जगह 7.6। सिंपली 200 को डिवाइड करें 7.6 से और फिर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट निकाल के 0.6261 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टी की वैल्यू जो मिलेगी 3.2118 सेकेंड। अब बुक में ये जो वैल्यू है वो राउंड ऑफ की गई है, तो 8 और 1 जो है ना राउंड ऑफ हो जाएंगे, बाकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3.21 सेकेंड। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। तो इस स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी से एंड वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ पी से। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी। अब इसको कन्वर्ट करें इक्वेशन में, तो डायरेक्टली इस जगह हम के रखेंगे, के टी से प्रोडक्ट हो रहा है, के इंटू टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी, ये इक्वेशन आपकी वन बन जाएगी। इक्वेशन में वी टी और पी की वैल्यूज़ हैं उनको पुट करें इन इक्वेशन नंबर वन में। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन वन कुछ इस तरीके की बनेगी। वी की जगह 100 = K हमें फाइंड करना है, टी की जगह 30 और अपान में स्क्वायर रूट पी की जगह हम क्या रखेंगे 64। तो सिंपली यहाँ पे देखें 64 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 8, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने सेम रखी है। के साथ ये वैल्यू प्रोडक्ट हो रही है, इस तरफ जाके डिवाइड होगी, तो फ्रैक्शन डिवाइड जो होती है वो रेसिप्रोकल में बन जाते हैं एलिमेंट्स, तो 8/30 हो जाएगा, और 100 से 8/30 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30 और 100 पे 10 की टेबल लगाएं, 10 की टेबल 30 पे 3 टाइम, 100 पे 10 टाइम, 10 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 80, तो के की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 80/3। अब जो भी के की वैल्यू मिली है इसको पुट करें इक्वेशन नंबर वन में, तो इक्वेशन नंबर वन में के की जगह 80/3 रखेंगे तो इक्वेशन वन हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, V=80/3 T√P। इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें। जो इक्वेशन नंबर टू है उसमें टी और पी की जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो आप इसमें पुट करें तो वी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 80/3 सेम रखा और टी की जगह 60, पी की जगह 81, 3 और 60 पर टेबल लग रही है 3 की, तो 3 पे 1 टाइम और 60 पे 20 टाइम, 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 मिलेगा और 80 सेम रखा। अब यहाँ पे देखें 80 और 20, अब कोई भी न अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो 80 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 आएगा और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो ये आपकी जो है ना आंसर कंसीडर हो जाएगा। अगर आप बुक का आंसर चाहते हैं तो सिंपली 1600 को 9 से डिवाइड करें, तो जैसे ही 1600 को 9 से डिवाइड करेंगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.77.77778। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वी की वैल्यू क्या मिलेगी 177.8 क्यूबिक यूनिट।
तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं एक और नई एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।